नोएडा के अंदर डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज बनेगा, याद है आपको? सब लोगों को याद है ना? आए भैया डूंगरपुर अनाउंस कर दिया कि डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अपन बनाएंगे, और फिर इलेक्शन हो गया और फिर गायब हो गए। जाना तो था ही, पर इस डूंगरपुर कॉलेज ने, मैंने 7 मेडिकल कॉलेजेस पूरे राजस्थान के अंदर खड़ा करने की कोशिश की, उसके परमिशन आए। और मैं आपको कहना चाहती हूं कि 13 मेडिकल कॉलेज में से आज पूरे देश के अंदर 13 मेडिकल कॉलेज अनाउंस हुए हैं, जिसमें से 7 मेडिकल कॉलेजेस राजस्थान के अकेले हैं, जो अपने आप में एक इतिहास है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य जी यही होंगे, प्राचार्य जी यही हैं। मैं जब आपके यहां मेरे कार्यक्रम में आई थी 29-30 तारीख को, तो मैं आपको बधाई देना चाहती हूं कि आज विधिवत तरीके से इसका हम लोगों ने शुरुआत करवा दी है। आपका सेशन चालू हो गया है, फर्स्ट बैच आ चुका है और फर्स्ट बैच पढ़ रहा है। और डूंगरपुर वालों, मैं आपको कहना चाहती हूं कि 3 साल के अंदर आपका निकलेगा ना फर्स्ट, और 4 साल, 4.5 साल में आपका फर्स्ट बैच निकलेगा। मैं अभी सब लोगों को ये कह रही हूँ, कलेक्टर साहब को भी मैंने कह रखा है कि अपन लोगों को इन सब से बात कर लेना चाहिए, जो डॉक्टर्स की अभी हमको कमी हो रही है। हर एक मेडिकल कॉलेज में से जो फर्स्ट बैच निकलेगा, सेकंड बैच निकलेगा, थर्ड बैच निकलेगा, हम उनको ये कहें कि 2 साल उनके पहले जो ये निकलते हैं उसके बॉन्ड भरवाइए, और उनसे ये कहिए कि 2 साल हमारे ग्रामीण इलाके में वो जाएंगे, वो काम करेंगे, और जब वो काम करेंगे तो ये जो कमी आपको हो रही है कि यहां डॉक्टर नहीं है, वहां डॉक्टर नहीं है, वहां कमी हो रही है, जब ये बॉन्ड भर के और हमारे बीच में आएंगे और ग्रामीण इलाके में काम करना शुरू करेंगे, तो मैं तो ये सोच रही हूं कि आपको फिर इससे दुखी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर आपको मिलेगा। ये चीज के लिए हम लोगों को कुछ समय लगेगा, उसके लिए अपने को काम करना है। टीचर्स का तो मैंने तुरंत ही काम चालू की आवश्यकता है। राजस्थान में आदरणीय वसुंधरा जी को लगातार आशीर्वाद देके इस वागड़ की, मैं मेडिकल कॉलेज 189 करोड़ की लागत से बने मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर के लोकार्पण करने के लिए मैं मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य नियंत्रक डॉक्टर सल्लभ जी शर्मा से निवेदन करता हूँ कि वे मंच में पधारे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को रिमोट द्वारा उद्घाटन कराए। जोरदार तरीके से तालियां बजाएं। मैं 189 करोड़ की लागत से बने आज मेडिकल कॉलेज का माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबको समर्पित करने जा रही है, एक बार जोरदार तरीके से तालियां। वसुंधरा राजे जिंदाबाद, वसुंधरा राजे जिंदाबाद, वसुंधरा राजे जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी।